हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आवाज आ रही है मेरी सबको? एम आई ऑडिबल गाइस? यस यस मैम, गुड ओके, हाउ आर यू ऑल? कैसा रहा मैम, गुड। वीकेंड वगैरह? कैसा रहा सब? ठीक? ओके, सो आई थिंक एवरीवन इज इन, राइट? देर आर 11 पीपल. एनीवन एल्स इज स्टिल लेफ्ट टू जॉइन? गाइज, यू ऑल हैव एनी डाउट इन द प्रीवियस लेक्चर्स? किसी को कोई डाउट है प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाया? उसमें क्या पढ़ाया था बाय द वे मैंने प्रीवियस लेक्चर में, मुझे ये बता दो. गाइज, आई ऑल फेसिंग इंटरनेट इश्यूज? आवाज आ रही है मेरी सबको या फिर लेट आ रही है? यस मैम, आ रही है ना? ठीक है. लास्ट लेक्चर गाइज, कैन यू ऑल टेल मी व्हाट डिड वी स्टडी इन द लास्ट लेक्चर ऑफ इंग्लिश? डिग्री पढ़ा था क्या? हाँ, डिग्री पढ़ा था? डिग्री नहीं पढ़ा था, क्या पढ़ा था? संकेत, संकेत इज गोइंग टू टेल मी ना क्या पढ़ा था. संकेत क्या पढ़ा था? मैम ऑनलाइन में फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश का। ओके, वेरी गुड संकेत. सो वी वेलकम संकेत टू आर इंग्लिश लेक्चर. एंड सो योर वी ओनली हैव एनडीए क्राउड ओवर हियर. ओके संकेत, ओके मैम, वेन आर योर एग्जाम्स गाइज? यू ऑल हैव एनी आइडिया वेन इज योर एग्जाम? अप्रैल। नेक्स्ट ईयर? अच्छा, टाइम है. सितंबर में भी है ना? सितंबर में भी है क्या? ठीक. आई एम टीचर, आई एम सीरियस स्टूडेंट. माइन इज इन नवंबर. यू आर विच स्टूडेंट? सीरियस, OTA. अच्छा, सीरियस. आई हर्ड सीरियस स्टूडेंट. ओके ओके, सीरियस. नो हाय सृष्टि, नो, माइन इज इन नवंबर. आई योर एग्जाम इज इन नवंबर? ओके, ऑल राइट, नवंबर 15. गुड. सो गाइज, डोंट रिमेम्बर, सो लेट मी रिमाइंड यू ऑल. लास्ट इंग्लिश लेक्चर वॉज ऑन एडवर्ब, है ना? तुम लोग पढ़ के भूल जा रहे हो, सही है? मतलब कुछ समझा नहीं था या फिर ऐसे ही, मतलब याददाश्त कमजोर हो गई है? बादाम खा लो यार, रोज के 4 भिगा के. ओके, सो गाइज, आई एम टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ न्यू चैप्टर, दैट इज नरेशन. ओके, कैन यू ऑल टेल मी व्हाट इज नरेशन? आई वॉन्ट एवरी वन टू बी एक्टिव इन द सेशन गाइज. यू ऑल कैन आई वुड बी आस्किंग यू ऑल क्वेश्चन, दोज आर न्यू. आई थिंक सृष्टि, यू आर देयर इन द लास्ट लेक्चर? नो, दिस इज माई फर्स्ट लेक्चर. ओके, सो वी हैव टू न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइनिंग विद अस गाइज, सृष्टि एंड संकेत. तो वी वेलकम यू ऑल बोथ, ठीक है? एंड बाकी सब आई लोग एम ऑल्सो दिस बैड बॉय बीट्स, क्या नाम है आपका? यश, यश, राइट? यस मैम, ओके, सो यश, संकेत एंड सृष्टि गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक गाइज, दैट इज नरेशन. ठीक है, तुम लोग मुझे बता सकते हो नरेशन क्या होता है? किसी किसी ने कभी सुना है? स्कूल कभी गए हो जिंदगी में तुम लोग? तो तुम लोगों को पता रहेगा.
बताओ. एक्सप्लेनिंग द स्टोरी. बिल्कुल भी नहीं. नरेशन. वाह सृष्टि क्या बात है. ओके गाइस, सो बेसिकली नरेशन जो है, मैं तुम लोगों को स्क्रीन दिखाती हूँ, तब शायद तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा. ठीक है, देख लो. नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, सो बेसिकली गाइज नरेशन क्या होता है ना, मैं तुम लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में बोलती हूँ, अपने अपने हिंदी भाषा में. ठीक है, सो आई थिंक देर आर मैनी मैनी मोर पीपल ऑल्सो हु आर ज्वाइनिंग. गाइज विल वेट फॉर वन मोर मिनट. ओके, टिल देन गाइज यू ऑल टेल मी, आई ऑल स्टडिंग इंग्लिश? इंग्लिश की पढ़ाई कैसे चल रही है, तैयारी कैसे चल रही है सबकी? ओके, सो गाइज दोज ऑल आर, आई थिंक यू ऑल आर वेरी क्वाइट, दैट मीन्स तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो. ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे को. गाइज आई एम आई हैव क्रिएटेड माई ग्रुप ऑन टेलीग्राम. ओके, सो यू ऑल कैन ज्वाइन दिस ग्रुप. आई एल बी आई एम सेंडिंग यू ऑल द लिंक. गाइज गिव मी अ मिनट. या गाइज आई हैव पिंड अप द लिंक इन द कमेंट सेक्शन. गाइज यू ऑल कैन ज्वाइन द चैनल. ओके, एंड आई हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग योर न्यूज़ पेपर डेली. हाउ मनी ऑफ यू ऑल आर स्टडिंग गाइज दोज न्यूज़ पेपर? हाउ मनी ऑफ यू ऑल आर स्टडिंग? पढ़ते या ऐसे ही तुम लोग मैसेज रीड कर लिया ठीक है करके क्या कर रहे हो, बताओ मेरे को. गाइज एम आई ऑडिबल टू एवरी वन? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड्स. वॉट हैपन टूडे? यस मैम. हाँ मुझे बताओ, तुम लोग जो न्यूज़ पेपर मैं भेज रही हूँ टेलीग्राम पे. ओके वेट अ मिनट, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन गाइज. टेल मी, आई ऑल रीडिंग द न्यूज़ पेपर और नॉट? सो गाइज बेसिकली दिस इज अ ग्रुप. एक मिनट मैं शेयर करती हूँ जो लोग नए हैं ना उन लोगों के लिए. ओके, सो गाइज दिस इज माई ग्रुप. ओके, वॉट यू ऑल हैव टू डू इज, यहाँ पे ना ये जैसे 12 अगस्त, आज 12 अगस्त है ना, तो मैंने आज भेज दिया है. ठीक है, तो तुम लोगों को ये ओपन करना है एंड यू ऑल हैव टू गो टू द एडिटोरियल पेज. ओके, नॉर्मली इट हैज आई थिंक वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट हैज 4 एडिटोरियल्स. ओके, सो यू ऑल हैव टू रीड जस्ट 2 एडिटोरियल. जो हाथी के नीचे वाला जो एडिटोरियल है ना, दो वो तुम लोगों को पढ़ना है बस, और कुछ नहीं. ठीक है, सो गाइज नेक्स्ट लेक्चर में आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल. सो आई एक्सपेक्ट येस फ्रॉम यू ऑल दैट येस यू ऑल हैव डन द रीडिंग पार्ट. ओके नाउ गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज नरेशन. बिफोर वी स्टार्ट गाइज, टेल मी एम आई ऑडिबल टू एवरी वन? गौरंग, मैडम, सोनाली, यस उदय, मैम, संकेत, बाकी सारे? यस मैम. या सो गाइज अनम्यूट ही रख यस लो, मैम. सब लोग अनम्यूट ही रख दो. ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से. या राहुल, सो गाइज नाउ नरेशन क्या होता है? वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड वन इज योर इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है मैं बताती हूँ. जैसे अभी राहुल को मैंने क्या बोला? यस राहुल बोला ना. ठीक है, तो फिर तुम लोग कैसे बोलोगे? मैम ने राहुल को यस राहुल बोला. ठीक है, अब अगर ऐसा होता है ना, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है गाइस मैं बताती हूँ. जैसे जैसे समझो अपना क्लास, ये सिर्फ समझना है, ये इमेजिन करना है. ठीक है, या फिर ऐसा नॉर्मल एग्जाम्पल देती हूँ तुम लोगों को. इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है ना, जो जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चुगली. तुम लोगों ने किया है कभी किसी का चुगली? गौरंग, किसी एक्स वाई जेड पर्सन के बारे में किसी और को जाके बोला है? नहीं नहीं किया तुम लोगों ने ऐसा? नो काश किया होता. चलो कोई ना, अब समझ लो. जब ऐसा होता है ना कि कोई ग्रुप बैठा हुआ है, तो फिर अब राहुल है ना किसी के बारे में बोल रहा है. राहुल बोल रहा है कि अरे वो पूजा है ना, पूजा पूजा ती असच करते माझ्या सोबत. ओके ओके, कमिंग बैक टू इंग्लिश, शी डज लाइक दिस ओनली टू मी. मतलब राहुल क्या कर रहा है, पूजा के बारे में बोल रहा है,
और कैसे बोल रहा है, इनडायरेक्ट, मतलब जब पूजा नहीं है ना सामने तब बोल रहा है, जो हम लोग चुगली करते हैं ना नॉर्मली, कि हम लोग मतलब कोई भी, तुम लोग या कोई भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। समझा सबको, समझ में आ रहा है क्या है इनडायरेक्ट स्पीच? हाँ गाइस एक एग्जांपल देती हूँ, जस्ट इमेजिन, हाँ जस्ट इमेजिन कि शाहरुख खान है ना, शाहरुख खान, ओके आई राइट वन सेंटेंस टू योर फॉर यू ऑल। गाइस शाहरुख खान की स्पेलिंग देख लो, सही है क्या? हाँ ओके सो बेसिकली गाइज व्हाट हैपेंस इज, देख लो यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक बताती हूँ, डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल ही है। सो आई थिंक गर्ल्स कौन है ग्रुप में अपने अभी, गर्ल्स सृष्टि, चलो सृष्टि का ही एग्जाम्पल लेते, सृष्टि का फर्स्ट लेक्चर है। सो व्हाट हैपेंस इज, सृष्टि इज स्टैंडिंग आउटसाइड हर हाउस एंड द फेवरेट पर्सन ऑफ मेनी पीपल शाहरुख खान अराइव्स टू आवर हाउस। वेर डू यू स्टे सृष्टि? सृष्टि मलाड मलाड, हाँ तो क्या बात हाई है। लेवल मलाड। सो बेसिकली सृष्टि मलाड में रहती है एंड मलाड में गाइस इमेजिन करो कि शाहरुख खान जी आए, ठीक है? तो वो ना सृष्टि को उन्होंने देखा, तो ऐसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यू आर वेरी क्यूट, हु इज वेरी क्यूट, सृष्टि इज वेरी क्यूट। ओके सो गाइस सेंटेंसेस से फ्रेम हुआ है ये, इसमें कुछ तो गलती है, मुझे बता सकते हो तुम लोग क्या गलती है? शाहरुख खान के बाद क्या आएगा? सेड हाँ सेड टू द मी, शाहरुख खान सेड टू मी यू आर वेरी क्यूट। ओके अंडरस्टूड, शाहरुख खान सेड टू मी यू आर वेरी क्यूट, दिस इज योर डायरेक्ट स्पीच। ओके कैसे, क्या ये डायरेक्ट स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बोलेंगे हम लोग, शाहरुख खान टोल्ड मी दैट आई वॉज वेरी क्यूट। समझ में आ रहा है? मतलब ये क्या कर रही है पता है, सृष्टि को ऐसे बोल दिया है शाहरुख खान ने कि तू तो बहुत अच्छी दिखती है, तो बहुत क्यूट है। नाउ व्हाट सृष्टि इज डूइंग इज, सृष्टि इज कमिंग टू द क्लास, अपने क्लास में आके, क्लास में वो सबको सबके सामने बोल रही है, अरे तुझे पता है मेरे को ना शाहरुख खान जी मिले थे एंड ही इज सेइंग दैट आई एम वेरी क्यूट। ओके क्लियर एवरी वन, आई वॉज वेरी क्यूट, क्लियर एवरी वन? सबको इतना बेसिक यस समझ में आ मैम। रहा है सबको कि मतलब डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, इतना सबको समझा ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइज नेक्स्ट इज योर नरेशन, ठीक है? यहाँ पे देखो, व्हेन व्हेन वी एक्सप्रेस समवन्स वर्ड इन आर ओन वर्ड्स इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके एंड व्हेन व्हेन समवन वर्ड्स आर एज इट इज, दैट इज योर डायरेक्ट स्पीच। ओके समझ में आया तुम लोगों को, चुगली करना क्या इनडायरेक्ट है, ठीक है? नाउ ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर, दिस इज योर डायरेक्ट स्पीच। ऑल राइट ही सेड टू मी, गाइस एक चीज़ है जो मैं चाहती हूँ तुम लोग लिखो बुक में, दैट इज योर सेड टू जो है ना, यहाँ पे सेड टू जो होता है ना, सेड टू गेट्स कन्वर्टेड टू टोल्ड, ठीक है? एवरी वन गाइज कैन यू ऑल रिपीट दिस विथ मी, सेड टू गेट्स कन्वर्टेड टू वॉट? हेलो हाँ यश, आवाज कटी रह गई हेलो बीच में। हाँ संकेत, मैम। यस मैम, आवाज कट हो रहा है। दैट्स द रीजन यू ऑल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, दैट्स व्हाट आई वाज वंडरिंग व्हाई यू ऑल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। दैट इज योर डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट मतलब जो थर्ड पर्सन आके बोल रहा है दैट इज योर इनडायरेक्ट, ठीक है? नाउ सेट टू जो है ना, सेट टू जो होता है वो कन्वर्ट होगा किस में, टोल्ड में होगा, ठीक है? किस में होगा बच्चों, सब लोग रिपीट करो, सेट टू विल बी विल गेट कन्वर्टेड इन टू वॉट? टोल्ड। आवाज आ रही है ना मेरी? बीच में कट हो गया था। व्हाट्स रॉन्ग? जस्ट अ मिनट गाइज, गिव मी अ मिनट। ये नेट नेट ओके गाइज, एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस मैम। यस मैम। यस, तुम लोग क्या कर रहे थे इतना टाइम?
आपका इंतजार। बाप रे राहुल, राहुल का डायलॉग देखो। अच्छा सेट टू, सेट टू में क्या सेट टू जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? टोल्ड टोल्ड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। शी सेड टू मी योर नेम इज संकेत। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग? स्टार्टिंग का बोल दो बस। शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी, वेरी शी गुड, टोल्ड। परफेक्ट। नाउ गाइस सी एग्जांपल्स, देख लो यहाँ पे। एग्जांपल फर्स्ट मैं पढ़ रही हूँ। ही सेड टू मी आई राइट अ लेटर, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर। सो बेसिकली क्या होता है ना गाइस, जैसे ना अभी प्रेजेंटली दिस, आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल एन आइडिया अबाउट योर टेंस, ठीक है। सो कितने टाइप के टेंस होते हैं? सब लोग मेरे को बताओ कितने टाइप के टेंस होते हैं? तीनों। थ्री थ्री कौन कौन होते हैं? कौन से कौन टाइप्स से? के, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ओके सो इफ आई एम टेलिंग यू ऑल गाइज, आई एम स्टडिंग इंग्लिश, ओके आई एम स्टडिंग इंग्लिश, ये कौन सा टेंस है? व्हिच टेंस इज प्रेजेंट, दिस? प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस। अब तुम लोगों ने, मैंने न्यूज़पेपर भेजा तो आई एम श्योर तुम लोगों ने सबने पढ़ा होगा, राइट? सबने पढ़ा, आदित्य और बाकी सारे नहीं पढ़ा ना? मैम पढ़ लेंगे रात को। हाँ आज तो पढ़ना ही पड़ेगा मेरे को, सबने अपडेट देना है अभी ग्रुप में, ठीक है। हाँ ओके। आई हैव रेड न्यूज पेपर, अगर तुम लोगों का ये आंसर रहता है नेक्स्ट लेक्चर में आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो आई हैव रेड द न्यूज पेपर, यस टेल मैम। मी विच टाइप ऑफ टेंस इज इट? पास्ट पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। आई एम गोइंग टू रीड द न्यूज पेपर, विच टाइप ऑफ टेंस इज फ्यूचर इट? टेंस, परफेक्ट। फ्यूचर। समझ में आया सबको? मतलब प्रेजेंट, मतलब तो बेसिकली क्या होता है, मैंने अभी किसी को कुछ बोला है तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है ना। अब ये चीज मैं किसी एक्स वाई जेड पर्सन को जाके बोल रही हूँ कि भाई ये देख, ये ना ऐसे से बोल रही थी, तो दैट वुड बिकम व्हाट? दैट वुड बिकम योर पास्ट टेंस। दैट इज द रीजन गाइज, यहाँ पे सेड टू को कन्वर्ट करें हम लोग टोल्ड में। दैट नाउ गाइज सी, ये जो कॉमा होता है ना, कॉमा ये वाला, कौन सा कॉमा? ये वाला कॉमा एंड ये वाला जो कॉमा होता है ना, दिस वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट टू व्हाट? दैट। क्लियर एवरी वन? कॉमा को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कॉमा को कन्वर्ट करना है हमें दैट में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आई आई जो है, आई राइट अ लेटर का हो जाएगा ही रोट अ लेटर। क्लियर गाइज? राइट, राइट का मेरे को सब लोग राइट के फॉर्म्स बताओ। व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, वर्ब फॉर्म्स ऑफ राइट? राइट रोट रिटन, और एक होता है, याद करो कौन सा है? राइटिंग। हाँ परफेक्ट। तो गाइज क्या क्या फॉर्म्स है? राइट है, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, पांच है, ठीक है। क्या क्या है बोलो? जैसे गाइज वेट अ मिनट, आई एम गोइंग टू आस्क यू ऑल अ वर्ड। फॉर एग्जाम्पल सिट, ओके, टेल मी ऑल द फॉर्म्स ऑफ सिट। सिट, सिट, सैट, सिटिंग, सिट इन सीटेड एंड सिट्स, सीटेड एंड सिट्स, ओके। चलो नेक्स्ट, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच एंड इन टू इनडायरेक्ट स्पीच। गाइज देर आर सम रूल्स, नाउ आई वॉन्ट वन वन पर्सन टू रीड इट, स्टार्टिंग फ्रॉम संकेत। संकेत स्टार्ट करो रीड करना। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड, रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट, इन्वर्टेड कॉमास, ओके, इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव इन द इनडायरेक्ट स्पीच। कनेक्टिव वर्ड इज यूज इन द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड सेंस ऑफ द सेंटेंस। पर्सन्स ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज। वर्ड्स शोइंग नियरनेस, टाइम, प्लेस आर चेंज। फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे इज चेंज इन टू द प्रीवियस डे। ओके, यस्टरडे चेंज होगा गाइस किसमें? प्रीवियस डे में, ठीक है। यस्टरडे चेंज हो जाएगा किसमें? प्रीवियस डे में। यू डोंट हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग इन द लेक्चर गाइज, दैट्स द रीजन आई एम सेंडिंग इट इन द ग्रुप। आई
आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग. ओके गाइज, ये लिख लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो. यहाँ से मैं सेंड नहीं कर पा रही हूँ ग्रुप में. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाले स्क्रीन का. मैक्सिमाइज करती हूँ मैं. दिस वन सेट टू टोल्ड कॉमा वाला. ओके नेक्स्ट. सो गाइज नेक्स्ट, से सेज जो है विदाउट ऑब्जेक्ट रहेगा तो नो चेंज रहेगा. ठीक है, सम देर आर सम रूल्स गाइज विच वी यू ऑल हैव टू लर्न. तो ध्यान से सुन लो, से और सेज रहेगा, विदाउट ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इसमें उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में. से और सेज है ना, दैट वुड रिमेन सेम ओनली. ओके नेक्स्ट, जब भी टू आता है गाइज, जब भी टू आता है तभी हमें कन्वर्ट करना है टेल में. फॉर एग्जाम्पल, से टू वुड गेट कन्वर्ट टू टेल एंड सेज टू विल गेट कन्वर्ट टू टेल्स. कैन यू ऑल टेल मी गाइज, विदाउट ऑब्जेक्ट और विथ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या होता है स्पेशली, कौन बताएगा? मैंने पढ़ाया है क्लास में. वॉट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बेसिकली? देखो यहाँ पे देखो, पता नहीं है, कोई बात नहीं गाइज. यहाँ पे देखो, आवाज आ रही है ना मेरी सबको? यस गाइज, यहाँ पे देखो, ये ना, ये पता है कौन है? ये राम है. ठीक है, ये राम है. ठीक है, ये राम है और ये जो है ना श्याम है. ठीक है, मतलब समझो कि राम ये है एंड मैं श्याम हूँ. ठीक है, ऐसे समझो. तो राम श्याम ने पता है क्या किया? श्याम ने राम को मारा. किससे मारा? श्याम हिट्स राम विथ बैट. ओके विथ बैट. मुझे बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है? मैम प्रॉब्लम क्या थे मारने के लिए? अरे ऐसे ही लड़ाई हो गई समझो. ड्राइंग करके बताती हूँ तुम लोगों को, रुको जरा. गाइज ये राम है और ये श्याम है. ये थोड़ा सा इसका ये कट गया है. ओके नाउ ये बैट है. फॉरगिव मी फॉर माई ड्राइंग गाइज. सो राम ने श्याम को ऐसे मारा तो इसका सर से खून निकल रहा है. ठीक है, ओके समझ में आ रहा है सबको? ये राम है और ये श्याम है, और राम ने श्याम के सर पे मार दिया. मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, जल्दी. ऑब्जेक्ट बैट, सब्जेक्ट शाम. शाम हिट श्याम. यस पारस, हु इज ऑब्जेक्ट इन दिस? बैट. बैट ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन बैट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ और है. श्याम. मिस, कैन यू रिपीट द सेंटेंस? आई एम सेइंग दैट राम हिट्स श्याम विथ अ बैट. सो बेसिकली द डायग्राम दैट अ बैट, अ दिस बैट, दिस इज अ बैट. ओके अ बैट. सो बेसिकली गाइज, बैट कैन बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट बट इन दिस केस एक्चुअली श्याम इज एन ऑब्जेक्ट. आई विल टेल यू ऑल व्हाई. जो एक्शन कर रहा है, द पर्सन हु इज डूइंग द एक्शन दैट इज योर सब्जेक्ट. एंड जिस पे एक्शन हो रहा है ना बेचारा, वो मार खा रहा है. कौन मार खा रहा है? शाम मार खा रहा है. तो जिस पे एक्शन हो जाता है ना वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट. सपोज गाइज यहाँ पे कोई नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने ये फोन निकाला और ऐसे फेंक दिया. ठीक है, फेंक दिया समझो. तो बताओ मुझे इस केस में सब्जेक्ट देखा मैम किधर गिरा? गया वो गया. तो मुझे बताओ सब्जेक्ट कौन होगा और ऑब्जेक्ट आप कौन होगा? सब्जेक्ट और मोबाइल ऑब्जेक्ट. परफेक्ट, समझ में आ रहा है. जिस पे एक्शन होता है दैट इज योर ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? से या सेज रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कोई चेंज नहीं करेंगे. एंड सेज के साथ टू लग गया या से के साथ टू लग गया तो विल से टेल और टेल्स. ओके नेक्स्ट, सेड भी है गाइज तो भी कोई चेंज नहीं करेंगे. सेड टू अगर आया तो हम लोग क्या करेंगे? टोल्ड. क्लियर है एवरीवन? ओके यस मैम. रूल नंबर 3 गाइस, कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड इन द इनडायरेक्ट स्पीच, वो तो तुम लोगों को पता है. नेक्स्ट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज रिटर्न इन द प्रेजेंट ऑफ फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब इज नॉट चेंज इन द इनडायरेक्ट स्पीच. ओके गाइज, वॉट डू यू मीन बाय दिस? अगर अपना वर्ब जो है, अपना रिपोर्टिंग वर्ब जो है दैट इज इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट मतलब जैसे आई एम टीचिंग, यू ऑल आर स्टडिंग. ओके एंड फ्यूचर मतलब आई विल गो टू, वेर आई शुड गो गाइज? यू ऑल टेल मी अ गुड प्लेस. ओके आई विल गो टू श्रीलंका. आई डोंट नो,
बट येस ऐसे मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ गाइस, सीरियसली नहीं लेना है इसको. ओके आई विल गो टू श्रीलंका, मतलब ये किस कौन से सेंटेंस में बोल रही हूँ, ये मैं बोल रही हूँ अपना फ्यूचर टेंस. ठीक है, तो इस केस में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है. क्या चेंज नहीं करना है? रिपोर्टेड वर्ब नहीं चेंज करना है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. ओके सो गाइज, हियर आर रूल्स फॉर चेंजिंग द हेल्पिंग वर्ब. सो गाइज, आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट कॉलम, आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड द सेकेंड कॉलम. दिख रहा है क्या सब लोगों को? ओके सो गाइज, मैं डायरेक्ट स्पीच वाला कॉलम पढ़ती हूँ, तुम लोग इनडायरेक्ट का डायरेक्ट. एक मिनट, तुम लोग ये पढ़ना. ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट गाइज. ओके सो बेसिकली आई विल रीड द डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट वन, एंड यू ऑल से द इनडायरेक्ट. ओके क्लियर एवरी वन? ओके इज और एम बोलो. वाज क्विकली गाइज. आर वेयर हैज हैव Had. Shall will. Cooled. Can. Cooled. एक मिनट, ये कौन था? कूल्ड. कूल्ड नहीं होता गाइस, वो दैट इज योर कुड. योर एल इज साइलेंट. ओके सो रिपीट अगेन गाइस. कैन. कूड. कूड, वेरी गुड. मे. माइट. माइट. ओके नेक्स्ट, डू डज का क्या होगा? डू डज का क्या होगा? डिड. 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 डिड का क्या होगा? Had. Had. Must का क्या? Must का must ही रहेगा. No change. Must. 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 Should. 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 वापस से कौन है ये should? Should. No should guys. It's should. Okay. Next. Had. Should. Had. Would. 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 Could. Could. No change. No change. Perfect. Now guys, next is rules of change of words. Guys, did just a minute, did I share the PDF in the group? Can you all check it? No ma'am. No ma'am. एक मिनट guys, I'll just share the PDF in the group for you all. Okay, next guys. I think y'all must have got the PDF guys. Next. So rules for change of word showing nearness. Can you all tell me guys what do you mean by nearness? Nazdikiyan, jisko Hindi mein bolte hain hum log. Nazdikiyan kya hoti hain? Wo Pepsodent ka ad yaad aa gaya kya sabko? Nearness. Matlab jo cheez nazdik hai, jaise mere samne bottle hai. Kareeb. Haan, kareeb. Wahi wahi. Kareeb Rahul. बॉटल है. सो दिस इज नियर, दिस इज योर नियरनेस. ओके गाइज, रेडी एवरी वन? आई वॉन्ट यू ऑल टू से द इनडायरेक्ट वन. ओके दिस, दैट, 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 दीज, दोज, योर, देयर, नाउ और जस्ट, देन, देन, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, प्रीवियस ईयर्स में देखा हुआ क्वेश्चन है. पर्सन हैड किल्ड सम मर्डर लास्ट नाइट, उसको चेंज करना था प्रीवियस नाइट में. ठीक है, तो ये तुम लोगों को बाद में एक बार पढ़ लेना गाइस, याद हो जाएगा. ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल. नाउ सी अ गाइस, एक है ना शॉर्टकट में तुम लोगों को बताती हूँ. एसओ एन क्या होता है इंग्लिश में? व्हाट डू यू मीन बाय एसओ एन? एक आदमी था. ठीक है, एक आदमी था, उसको ना, एक आदमी था, उसको ना तीन बच्चे थे. ठीक है, एक आदमी था, उसको तीन बच्चे थे. पहला बच्चे का नाम क्या था? एसे. तुम लोग ही नाम रखो. चलो, पहले बच्चे का नाम जो था वो एसे था. क्या था? संकेत. 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 ओ. ओ जो है सेकंड बच्चे का नाम क्या था? ओ से नाम रख दो. चलो, ओमकार.
ओमकार, यस। थर्ड बच्चे का नाम था क्या? एन, नील। नील, नील। अच्छा नील, ओके फाइन, ठीक है, समझ में आया। एक स्टोरी, ये स्टोरी तुम लोग याद रखोगे। तीन बच्चे थे, वो आदमी को तीन बच्चे थे, सन, ओके, एस एस ओ एन। नाउ गाइस लिसन, एस मतलब क्या होता है? एस मतलब संकेत नहीं है, सॉरी संकेत, बट एस इज योर सब्जेक्ट, ओ इज योर ऑब्जेक्ट एंड एन इज योर नो चेंज। कैन यू रिपीट दिस गाइस एवरीवन? एस, सब्जेक्ट, ओ, ऑब्जेक्ट, एन, नो चेंज। नो चेंज, परफेक्ट। मतलब अगर सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन रहेगा, सब्जेक्ट में क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन रहेगा। ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा? सेकंड पर्सन रहेगा। नो चेंज में क्या रहेगा? थर्ड पर्सन। कैन यू, आई थिंक आई हैव टॉट यू ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन। गाइस थर्ड पर्सन क्या होता है मुझे बताओ जरा। दो लोग के बीच में आने वाला। ये दिल पे नहीं लेना है, ये वाला थर्ड पर्सन नहीं है वो जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। ये वो थर्ड पर्सन है जो नहीं है, जो नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम, ओके, सो अमृता के मैम। बारे में बात हो रही हो? हाँ सृष्टि, आवाज नहीं आ रही है। जिसके बारे में बात हो रही हो वो है क्या थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन फॉर एग्जाम्पल गाइज, जैसे दो लोग बैठे हैं, ठीक है, हम लोग किसी तीसरे के बारे में टॉपिक डिस्कस करें, अरे उसने ना, उसने, अरे उसको, उसने ऐसे किया था यार, उसने बहुत मेरे को कुएं में धकेल दिया था कल, उसने ना कीचड़ में धकेल दिया था, ऐसे नहीं हम बोलते। सो थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु इज नॉट देयर राइट नाउ प्रेजेंट विद अस, है ना, दैट इज द थर्ड पर्सन। सो बेसिकली थर्ड पर्सन वो होता है जैसे ही, शी, इट या दे। फर्स्ट पर्सन कौन है गाइज? सपोज मैं, आई एम द फर्स्ट पर्सन फॉर यू, उदय, ओके, उदय इज यू। सो यू इज वॉट? यू इज सेकेंड पर्सन, आई इज फर्स्ट पर्सन, यू इज सेकेंड पर्सन एंड ही शी वो है जो अभी नहीं है साथ में, ठीक है। यश समझ में आया? थर्ड पर्सन कौन होता है? यस हम, तुम और वो का सीन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज गाइज द फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे वो क्या बोल रहा है? ही सेड आई प्ले क्रिकेट। जैसे ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। समझा? क्या समझा गाइज? उसने बोला हम क्रिकेट खेलते थे। हाँ, उसने बोला कि हम क्रिकेट खेलते थे, तो यहाँ पे जो आई है ना, आई चेंज हो गया ही में। अब तुम लोगों को एक क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं पता नहीं मन में, दैट मैम यहाँ पे आई जो है वो शी में क्यों नहीं क्रिक चेंज हुआ? ऐसा लग सकता है मन में, बट बिकॉज यू नो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो हम लोग कभी जेंडर मेंशन नहीं किया है गाइस, तो वी विल टेक ही ओनली, ठीक है, मतलब ही नहीं, ही एज अ मेल ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि ही सेड टू मी यू प्ले क्रिकेट, ही टोल्ड मी दैट आई प्ले क्रिकेट। यानी कि सेकेंड पर्सन जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई जो है वो थर्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, इन द अबाउ केस यू सेकेंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, मी फर्स्ट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, द थर्ड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज। फॉर एग्जाम्पल यू सेड टू मी ही विल प्ले क्रिकेट। गाइज ही जो है ना, ही में मैंने तुम लोगों को बोला था नो चेंज, यानी कि ही ना चेंज ही नहीं होगा, ही का ही रहेगा, ठीक है। तो गाइज क्या सीखते हैं हम लोग, एक बार रिविजन कर लेते हैं। जो आई है ना, आई, आई चेंज हो रहा है किस में? आई चेंज हो रहा है ही में। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आई इज चेंजिंग इन टू ही, ओके। यू इज चेंजिंग इन टू वॉट? यू इज चेंजिंग इन टू मी, ठीक है। नहीं, यू इज चेंजिंग इन टू आई, ओके, यू इज चेंजिंग इन टू आई एंड अगर ही आता है तो उसमें क्या रहेगा? नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नाउ गाइज हियर आर द एग्जाम्पल्स। आई वॉन्ट यू ऑल टू रीड वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम सृष्टि। सृष्टि, यस मैम, या कैन यू रीड इट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रीड करना है? दोनों दोनों, ओके।